तो ये देख लो भाई, ये छोले हमारे डल गए पानी समेत। पानी समेत, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका फाइनल शक्ल है, ये ऑलरेडी। हे गाइस, वेलकम बैक टू वाइनम फूडी। मैं हूं आपका होस्ट मुकेश। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने काफ़ी विशेष रखे कि मेरी आँख जल्दी ठीक हो जाए। तो रिकवर हो रही है, और क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो बाद में किसी दिन हम बात करेंगे डिटेल में। फिलहाल मैं आपको मिलाता हूं आंटी जी से। आंटी जी से आप मिल चुके हो, न्यूट्री आंटी ने हमें सिखाई थी, काफ़ी प्यार दिया था आपने। तो आंटी, पहले तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, और फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज आंटी के साथ हमें अंकल भी हमें मतलब सपोर्ट करेंगे। आज अंकल भी कुछ सिखाएंगे, आंटी भी कुछ सिखाएंगी। तो जो लोग नहीं जानते, मैं आंटी के बारे में एक बार बता देता हूँ। तो अंकल आंटी सीनियर सिटीजन है, 70 इयर्स के अंकल है, 60 इयर्स के आंटी है। एक क्लाउड किचन चलाते हैं जिसका नाम है मॉम मेड आंटीज किचन। तो ये दिल्ली NCR में भी आपको डिलीवरी होगी, स्विगी जोमेटो में भी ये अवेलेबल है। काफ़ी अच्छा बनाते हैं, जिन्होंने हमारी वो रेसिपी नहीं देखी लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हो। बहुत ही प्यार से बनाती है, बहुत ही काफ़ी अच्छा टेस्ट रहता है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे खाने के लिए। तो इनको सपोर्ट करें। तो चलें आंटी फिर किचन की तरफ सीखते हैं। बिल्कुल, चलिए फिर आइए। तो किचन की तरफ हम आ चुके हैं। पिछली बार आंटी ने हमें न्यूट्री सिखाई थी, इस बार अंकल जी सिखाएंगे। अंकल जी क्या बताइए फिर? ये सफ़ेद छोले हैं। सफ़ेद छोला नॉर्मल साइज है इसका, और ये रात भर भिगोए हैं। रात भर भिगोया है इसको। ये कितने किलो अंकल जी? ये 750 ग्राम है। 750 ग्राम है, ये 3 पाव। ठीक है। तो साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा इसमें क्या क्या डाल रहा है, क्योंकि आंटी तो खुल के बोलते हैं, अंकल थोड़ा इतना खुल के नहीं बोल पाते। तो 750 ग्राम इसमें आप देखते हैं क्या क्या डलेगा। खाली खाली नमक डालूंगा जी, बस इसमें नमक डलेगा अंकल जी। उबलने के बाद तो मसाले हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए अंकल जी, अंकल क्या है? आंवला। आंवला, सूखा आंवला है। ये अंकल ये मिल जाता है ना मार्केट से सूखा आंवला? ये 5-6 फीट टुकड़े हैं। ठीक है, एक आंवला होगा समझ। एक आंवला और सूखा आंवला है, ये मार्केट से आपको मिल जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, खुद भी घर पर सुखाते हैं, खुद भी बनाते हैं। और आंवला के बाद अंकल अब नेक्स्ट नमक? नहीं, इसमें नमक डालेंगे। इसमें चाय की पत्ती की पोटली। चाय की पत्ती पोटली में बांध के, ये एक तरीके से ये आता ही छन्नी टाइप की है। कुछ लोग कपड़े में डालते हैं, बट उससे क्या होता है ना, लीक हो जाता है कभी कभी। छोटे 2 चम्मच। ठीक है, छोटे 2 चम्मच इसको डाल के, ये देखो इस तरीके से आपने छोड़ना है। और वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और अंकल जी इस उम्र में भी कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करो इनको। और कहने की क्या जरूरत है यार, सपोर्ट करो, सीनियर सिटीजन है। और टेस्ट एक नंबर है, टेस्ट की गारंटी हमारी, आप बस ऑर्डर करिए। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या डालने वाला इसमें। पानी है, 1.5 चम्मच नमक है। ये जाएगा आपका 1.5 चम्मच नमक, जो नॉर्मल घर में चम्मच होता है उससे ही। और पानी आपने इतना रखना है कि उसमें बस छोले भीग जाए, थोड़े से छोले मतलब डूब जाए, हल्का सा थोड़ा सा पानी ऊपर आ जाए। ठीक है। अब अंकल कितनी सीटी? करीब 4-5 सीटी लग जाएंगी। 4-5 सीटी लगेगी। और अंकल गैस कैसी रखनी है आज? उसके बाद मैं 2-3 सीटी के बाद स्लो करता हूँ, अंदाजा 5 सीटी। 5 सीटी है, पहली 2-3 सीटी तेज आंच पे, उसके बाद से स्लो, मतलब आपको बिल्कुल सिम करके छोले पूरे गल जाएंगे। 5 सीटी में। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। तो 5 सीटी आपने लगानी है, 2-3 सीटी आपने तेज आंच पे, बाकी की बची हुई सीटी आपने स्लो आंच पे। तो चलिए इसे सीटी लगने देते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। और यहाँ पे हमारी बिरयानी बन रही है, अगर इसकी रेसिपी भी आपको चाहिए तो कमेंट करो फटाफट, बहुत ही टेस्टी होती है यहाँ की बिरयानी। ये देख लो, ये बिरयानी उबल रही है, कैसे उबल रही है, कैसे बनती है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। कमेंट करो फटाफट, यहाँ की आपको बिरयानी भी सिखाएंगे। हाँ अंकल कह रहे हैं इलायचियाँ तैर रही हैं, तो ये भी आपकी रेसिपी हम लेकर आएंगे, कमेंट करो। तो यहाँ पर अंकल ने चढ़ा दिया है ये अपना छोले, तो चलिए इस पर सीटी आने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होने वाला है। तो छोले हमारे उबल रहे हैं, तब तक हम मसाले देख लेते हैं क्या क्या इसमें पड़ने वाला है। अंकल जी बताइए, और मैं थोड़ा रिपीट करूंगा यार, क्योंकि अंकल जी थोड़ा सा धीरे बोलते हैं। अंकल ये दो प्याज को ऐसे आपने चॉप करना है। ठीक है, ये आपके 250 ग्राम टमाटर है, 4 टमाटर 200-250 ग्राम को आपने पीस के रखना है। ये देगी मिर्चें, ये देगी मिर्चें 1 बड़ा चम्मच, और ये आपका ये 6 चम्मच है, ये 6 चम्मच जाएगा, तब आपको आगे बताएंगे कितना डलेगा। फिलहाल ये चना मसाला है MDH का। इस मसालों के अलावा अंकल जी और कुछ डलेगा? नहीं, चना मसाला खाली, सिर्फ चना मसाला और नमक। तो भाई देखो, मसाले बहुत ही लिमिटेड हैं, बट इससे जो टेस्ट है ना, बहुत ही औसम आने वाला है।
बनाने का तरीका, पकाने का तरीका होता है हर चीज़, वो हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल हमारा जो है मसाला सिर्फ यही है, तो आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखो हमारे छोले उबल चुके हैं, काफ़ी अच्छा कलर आया है काला, और जो आंवला था ना वो अंकल ने निकाल के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करे हैं। तो अंकल ये भी यूज़ होने वाला है? अच्छा, मतलब हैं पेट के लिए अच्छे, हाजमे दार है, पेट के लिए अच्छा है, हाजमा के लिए अच्छा होता है। तो जो आंवला हमने उबाला था अंकल ने उसके छोटे छोटे पीस करके वापस इसमें डाल दिया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ और देखते हैं किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है अंकल ने। अंकल कितना जाएगा रिफाइंड ऑयल? करीब 400-500 ग्राम। 400-500 ग्राम यानी कि आधा किलो आपका रिफाइंड जाएगा। ये डाल दिया प्याज, और बनेगा लोहे की कढ़ाई में। यहाँ पे आप कढ़ाई देख लो, ये लोहे की है, पीतल की नहीं है। तो अंकल जैसे आपने तेल अभी गर्म नहीं होने दिया, डाल सकते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई ठीक है, ये एक्सपीरियंस कहता है। जैसे होने देते हैं, सरसों का तेल होगा ना जिसे जलाना पड़ता है पहले, जो सरसों का तेल होता है। अच्छा, उसको जलाना पड़ता है? उसको जलाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 250 ग्राम टमाटर था, और कितनी मिर्च थी अंकल? दो हरी मिर्च थी। तो पीस दिया है इसको, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका, बस मिर्च बताना भूल गया था। तो कितनी देर तक अंकल ये पकाना है इसको? ये गुलाबी करने पड़ेंगे, गुलाबी ब्राउन। तो ये जब तक ये ब्राउन ना हो तब तक आपने इसे पकाना है। वो पेस्ट पड़ेगी लहसुन अदरक की। अच्छा, तो उसके लाल करके फिर डालेंगे इसमें हम ये देगी मिर्च। ठीक है, तो ये आगे आपको दिखाएंगे कि करके, पहले इसको होने देते हैं। चलिए जब ये हो जाएगा तब आपको बताते हैं। और अंकल जी गैस कैसी रखनी है? गैस स्लो रखेंगे तो बढ़िया बनेगा, प्याज गल जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो स्लो मतलब आँच पे बनाओ तो ज़्यादा बढ़िया बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसे होने देते हैं, जब ये हो जाएगा तब आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देख लो, ये गुलाबी हो गए मतलब ब्राउन हो गए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये आपका जाएगा दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और जैसे कि लास्ट टाइम एंटी ने बताया था कि धीमी आँच में जो चीज़ पकाई जाती है वो बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, अभी गैस बंद कर दिया, तेज हो गई ना ज़्यादा। अच्छा, तो अभी अंकल ने गैस बंद कर दी क्योंकि तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है। अभी अदरक से लाल हो जाता है प्याज। अच्छा। अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे, एकदम लाल हो जाएगा। ठीक है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालते ही एकदम से लाल हो जाता है, तो इसलिए अंकल ने गैस बंद कर दिया। अब डलेगा इसमें नेक्स्ट देगी मिर्च जिसे करके डालना है, अगर तेज में डालेंगे जल जाएगी। ठीक है, बंद करके ही डालना है इसको तो भैया। अब कलर आ गया, बिल्कुल ही बंद करके डालना, अगर तेज में डालोगे तो जल जाएगा। ये आपका होगा अंकल दो छोटे चम्मच एक बड़ा चम्मच। अब डाल देना इसमें, और आपकी अब जाएगी इसमें प्यूरी। अब इसको कितनी देर पकाना है अंकल जी? बस जरा तेल छोड़ देगी। अच्छा, तेल छोड़ देगा। इसके बीच में और कुछ डलेगा? मसाला डलेगा। अच्छा, भी डलेगा। यहाँ पे अंकल ने गैस फिर से कर दिया ऑन, चना मसाला। अब डलेगा इसमें चना मसाला, इसके बाद बिल्कुल घर जैसा आपको मिलेगा यहाँ पे टेस्ट, एक्सपीरियंस बता रहा है। तो सीनियर सिटीजन है अंकल जी, इनको सपोर्ट करो, कुछ नया स्टार्ट करा है। डिस्क्रिप्शन में आपको इनका पूरा प्रॉपर एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ आपको स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, नीचे भी मिल रहा होगा। तो यहाँ पे अंकल जी मिर्ची डाल रहे हैं। अंकल ये लाल मिर्च, ये हरी मिर्च जो लाल हो जाती है ना? अच्छा, हरी मिर्ची है ये जो लाल हो जाती है, कलरफुल हो जाएगी। तो ये हरी भी डाल सकते हैं अंकल जी? हाँ, आप हरी भी डाल सकते हो। ये कितनी डालनी है अंकल? 4-5 मिर्ची डालते हैं। 4-5। तो यहाँ पे तेल छोड़ दिया है, ये हो चुका है। इसके बाद अंकल इसमें डाल रहे हैं चना, 6 चम्मच जाएगा आपका चना मसाला। ठीक है, 6 चम्मच के हिसाब से आप डालना, नॉर्मल जो छोटे घर पे चम्मच होते हैं 6, वो जाएगा आपका 6 चम्मच। अब इसको कितनी देर पकाना है अंकल जी? तेल छोड़ेगा अभी, फिर दोबारा तेल छोड़ेगा। ठीक है, तो आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है यार, सबसे पहले कि रेसिपी के लिए कॉल मत करना, सीनियर सिटीजन लोग हैं। आपको काफ़ी लोग मैंने सुना है कि इनको इरिटेट कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो वीडियो डाली थी उस काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, पर लोग इरिटेट भी बहुत कर रहे थे। तो प्लीज़ इरिटेट ना करें, सीनियर सिटीजन लोग हैं, इनको सपोर्ट करें, ऑर्डर करें। दिल्ली NCR में इनकी खुद की डिलीवरी है, 400-500 का आप ऑर्डर करिए, प्लस जो डिलीवरी चार्जेस है वो इनके नहीं है, जिस कंपनी से इन्हें हायर करा हुआ है, मतलब जिन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है डिलीवरी का, उनके चार्जेस जो भी होंगे अकॉर्डिंग टू एरिया। और स्विगी जोमेटो में भी अवेलेबल है, अगर वहाँ नहीं होता तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये आपको घर पर पहुँचा देंगे। तो प्लीज़ ऑर्डर करो, सीनियर सिटीजन लोग हैं, प्लीज़ करिए। ये देखो इसने पूरा तेल छोड़ दिया है, अब इसमें अंकल डालेंगे हमारे छोले। तो ये देख लो भाई, ये छोले हमारे डल गए पानी समेत।
कोई दिक्कत नहीं है। तो लो जी, अब ये लाल है ना? जी जी। ठंडे होने के बाद बिल्कुल काले हो जाएंगे। ठंडे होने के बाद बिल्कुल काले। तो भैया ये है आपका सीक्रेट। कितनी देर पकाने से ये पूरे उबलेंगे? एक घंटा से उबलने में लगेगा। तो चलिए भाई, से एक घंटा लगेगा उबलने में। इसको पकने देते हैं धीमी आंच पे। धीमी आंच पे पकाना है। तो धीमी आंच पे पकाना एक घंटे तक। अब वेट करते हैं घंटे का, उसके बाद देखते हैं इसकी फाइनल शक्ल। तो भाई इसको अभी एक घंटा लगेगा पकने में, और पकने के बाद इसको आपने ठंडा करना है, तब जाके ये रेडी होगा। तो इसमें दो घंटे से ढाई घंटे लग जाएंगे, क्योंकि ठंडा भी करना है उसको और बनाना भी है। ये ऑलरेडी बना के पहले से रखा हुआ है, मैं आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखा देता हूँ। जब ये बन के रेडी हो जाएगा, जब ठंडे होंगे तो ऐसे दिखेगा कुछ। ये इसका फाइनल शक्ल है। ये ऑलरेडी अभी एक दो चार पाँच घंटे पहले बना था ना अंकल ये? हाँ, ये चार पाँच घंटे पहले बन के है ये। अब यहाँ पे दिन पे बन रहा है, ठीक है। तो ये बन के आपका यही बनेगा, ऐसे ही काले होंगे सब कुछ, कलर आपका ऐसे ही आएगा। बस ये है कि इसको एक घंटा लगेगा, फिर इसके बाद इसको ठंडा करना। जब ये पूरा ठंडा होगा उसके बाद ऐसी शक्ल आएगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो थैंक्स टू मॉम मेड्स आंटी किचन। अंकल जी आपका भी थैंक यू सो मच, आपने अपनी रेसिपी हमें बताई। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला था, थोड़ा सपोर्ट करिए, ऑर्डर करिए, अगर सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो अंकल थैंक यू सो मच, आपने रेसिपी बताई। और कमेंट करो अगली रेसिपी आपको कौन सी चाहिए यहाँ से मॉम मेड्स आंटी किचन से। नंबर सबको दे रखा है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।